ऐसा, लेकिन हुआ क्या है? इनसे पूछ भैरो, पूछ इनसे, कैसे इसने अपनी दादी का दिया हुआ आशीर्वाद, अपने दादा की आखिरी निशानी, इस खानदान का जेवर, अपना एक छोटा सा काम निकालने के लिए कचहरी में चपरासी को दे दिया। इसे पूछ कि जब इस घर में रहने वाले लोगों की कीमत ही नहीं है इसकी नजरों में, तो फिर ये यहां पर आशीर्वाद कौन सा लेने के लिए आया है? इससे पूछ कि एक लड़की का प्यार उसकी दादी के प्यार से बड़ा कैसे हो गया? वो दादी जिसने आज तक आंखें बंद करके इस पर भरोसा किया, अकेली इसके लिए सबके सामने खड़ी होती रही, अरे रही क्या, आज भी खड़ी होती है। इससे पूछ कि उस लड़की के साथ शादी करने के लिए इतना नीचे कैसे गिर गया? अरे इसका कोई हाथ लो अपने माथे पर रखो और पूछो इससे कि क्या ये नहीं जानता था कि ये लॉकेट हमारे बापूसा की आखिरी निशानी। इस लॉकेट को हाथ में पकड़कर मैंने अपनी मां को हमारे बापूसा के साथ बात करते हुए देखा है। मुट्ठी में भींच कर इस लॉकेट को नींद में रोते हुए देखा है। हम दोनों भी तो मासा के ही बेटे हैं ना, लेकिन मासा ने हमें कभी ये लॉकेट नहीं दिया, ऐसे दिया ऐसे। और ये इस लॉकेट को सोने का एक छोटा सा टुकड़ा समझकर अनजाने लोगों के सामने फेंकाया। क्या कोई इंसान पराए लोगों को धोखा दे सकता है? ये तो समझ में आया, लेकिन अपनी दादी सा को, उनके भरोसे को, उनके प्यार को, विश्वास को, इतना बड़ा धोखा तुमने कैसे दे दिया चक्या? नहीं धोखा दे सकता ये भाई साहब, रिश्ते नाते विश्वास प्यार सम्मान ये सब कुछ तो पहले ही भूल आया था, क्यों नहीं दे सकता धोखा? आप जानो हो ना, ये लॉकेट आपका सुरक्षा कवच है, जीवन के हर दुख दर्द से आपकी रक्षा के लिए, फिर बार बार इसे उतार क्यों दियो? अरे जरूरत हो इस कवच की तो पहनू ना, हमारे सुरक्षा कवच तो तू है कल्याणी तू, और मजाल है कोई दुख तेरे प्यार से टकरा करके हमारे पास पहुंचावे। हाँ तलवार छिपा रखी है ना मैंने अपने प्यार में, जो सामने आवेगा काट डालूंगी उसे। अब बातें बनाना छोड़ो और मने एक वचन दो कि ये लॉकेट आप गले से कभी नहीं उतारोगे। अच्छा बाबा मैं वचन देता हूँ, ये लॉकेट अपने गले से कभी नहीं उतारूंगा।
दादी सर, दादी सर मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत चोट पहुँचाई है, दादी सर मेरी बात तो सुनिए। दादी सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए। दादी सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप चाहे जो सजा दे मुझे, चाहे तो डांटे पीटे मारे कुछ भी, लेकिन लेकिन कुछ बोलिए दादी सर, चुप मत रहिए। अगर अगर आप ही मुझसे मुंह फेर लेंगे तो मुझे ये अपना कौन मानेगा? ये तो आप भी जानते कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ दादी सर, क्या मैं आपको जानबूझकर चोट पहुंचाऊंगा? कभी नहीं दादी साहब, मैं मजबूर था, ना मेरे पास कुछ सोचने समझने का वक्त था और ना ही हिम्मत थी। गौरी मुझे छोड़कर जा रही थी, उसे मेरे अतीत के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो ये जान चुकी थी कि मैं शादीशुदा हूं, मैं वही हूं जिससे बचपन में उसकी शादी हुई थी। दादी से वो रिश्ता तोड़ रही थी मुझसे, और मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ उसे। लेकिन दादी मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं क्या करता, मैं गौरी को खोना नहीं चाहता था। मुझे मुझे धोखे में बैठी थी मैं, कहीं माने बैठी थी कि जा रहे बेगो तो रिश्ते वापस खींच लेवेंगे इसे, रिश्तों में तो जान ही ना छोड़ी इसने, जो इसे वापस खींच ले में। वो हमारी शादी के लिए कोर्ट से जल्दी डेट चाहिए थी, ऐसे में पैसों की जरूरत थी तो मैंने उसे बेच दी।
किसी अपने के लिए कुछ करना परेशानी नहीं होती गौरी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ नहीं? गौरी अगर तुम मुझसे अलग हो गई तो बहुत अकेला पड़ जाऊंगा मैं, फिर नहीं जी पाऊंगा। जगदीश, गलती हो गई मारे से, जो अपने स्वार्थ और भावुकता में आके तने जहां इतने दिन रोक ली, माफ कर दे मने। दादी साहब ऐसा क्यों कह रही? आपका पूरा हक है मुझ पर, अब तक नाराज है आप मुझसे? हाँ, अपने आप से जे अनपढ़ समझ ना पाई, पढ़ाई लिखाई का चीज हो गए, थारी बड़ी डाकदरी की आगे की पढ़ाई बिगाड़े थी मैं। बड़ा उपकार थारो जो तुम्हारी खातिर जाए इतने दिन रुक गयो। अब और नुकसान मत करना अपना, अपनी पढ़ाई का। तू और गौरी जितनी जल्दी हो सके शहर वापस लौट जाओ। आपको तो बापू साहब ने कसम दी थी। ना ना, अरे बहुत लाड हो थारे से, पर बहरों की कसम तोड़ने से पहले मर ना जाऊं मैं। थारे ही पैसे हैं, बहरों ने दिए थे मारे इलाज के एवज में, तूने मने लौटाए थे, रख ले। मैं इसे डाकगिरी की फीस समझ के ना देऊं, अपना आशीर्वाद भी ना कहूंगी इसे। समझ ले के बड़े आते जाते जो छोटों के हाथ में पकड़ा जावे ना, वही है जे। ले रख ले। और चिता बीच थारे दादूसा की निशानियां थारे से कभी अलग ना करती इसे, पर तूने आप ही कर दियो। एक बात याद रखियो जगदीश, जिंदगी में कि धन दौलत यार तो बांटा जा सके सब, पर आशीर्वाद न बांट सके किसी के साथ।
तूने एक गैर को अपने दादोसा का आशीर्वाद बेच दियो, इसे धारण करने का हक खो बैठो। अब तने जना दे पाऊंगी। हमारे लाड कोड से ज्यादा थारे दादोसा का मान है, इसे अब मैं संभाल के रखूंगी। कभी ना सोचा था कि रक्षा कवच की भी रक्षा करनी पड़ेगी। कभी भी तने लागे अपने दिल में कि इसे धारण करने का हक है तने, तो आके मांग लीजो। तुम्हारे होते तुम्हारे मरने के बाद भी बोल के जाऊंगी, कोई मना ना करेगा तने। और बता दीजिए टिकट जब की भी हो, पढ़ाई में और नुकसान मत करना, जितनी जल्दी हो सके। दादी साहब, तेरी माँ खुश रखे तने। वंश परंपरा और कुल की मर्यादा ही पुरानी पीढ़ी के सामाजिक जीवन का आधार होती है। वो इन्हें तोड़ने वाले को बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो कितना ही प्रिय क्यों ना हो।